नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत स्टडी विद स्मार्टिस के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी विद स्मार्टिस के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि गणित की पैडागोजी से संबंधित है। हाँ फ्रेंड्स, गणित शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड हैं। तो आप बताएंगे आपके 15 में से कितने मार्क्स प्राप्त कर पा रहे हैं। और जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, लास्ट प्रीवियस ईयर में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, और नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली फ्रेंड्स, उसमें इन क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। तो आप बताएंगे आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आ रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप इस अपने चैनल के परिवार के सदस्य नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। इसी के साथ अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है कि स्वीकृत सिद्धांतों का तार्किक परिणाम है। फ्रेंड्स, आपके सामने है स्वीकृत सिद्धांतों का परिणाम है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, क्या अनुमान, प्रमेय, अभिधारणा, उपप्रमेय। मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर स्वीकृत सिद्धांतों का परिणाम, प्रमेय करेक्ट आंसर। ना अनुमान है, ना अभिधारणा है, ना उपप्रमेय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, 0, 1, 1, 2, 5, 8, 13, 21, 34, 55। और इसी तरह आगे एक अनुक्रम है जो गणितज्ञ के नाम पर है। हाँ फ्रेंड्स, जो कौन से गणितज्ञ के नाम पर है आप बताएंगे। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या यूक्लिड है, थेल्स है, 5ONH है, पाइथागोरस है। तो मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपका, जब तक आप आपका आंसर सोचेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, 0, 1, 1, 2, 5। करेक्ट आंसर 5ONH। करेक्ट आंसर 5ONH। करेक्ट आंसर ना यूक्लिड है, ना थेल्स है, ना पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, आर्यभट्टम ने शब्द जीवा। हाँ फ्रेंड्स, आर्यभट्ट हैं जो, आर्यभट्टम ने शब्द जीवा हाफ ऑड को अरबी में अनुवाद करने का अर्थ क्या कहा था। आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, अरबी में अनुवाद करने का अर्थ क्या था, क्या स्पज्य टेन है, सेंकट है, कोज्य है, ज्या साइंस है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जब तक आप आपका आंसर बताएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो ज्या साइंस। करेक्ट आंसर ज्या साइंस। करेक्ट आंसर ना कोजिया कॉस, ना सेकंड, ना स्प्रिटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते फ्रेंड्स अपन। नेक्स्ट पर चलते फ्रेंड्स अपन, किसी दो आसन फिबोन की संख्याओं 3 के बाद बीच का अनुपात 1:1.6 है, इस अनुपात को क्या कहा जाता। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या गोल्डन रेशियो है, फेवन की अनुक्रम है, गोल्डन त्रिभुज है, लिवर अबेसी है। मैं वेट करूँ फ्रेंड्स आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो किसी दो आसन फेवन की संख्या 3 के बाद 3 का अनुपात 1:1.6, इस अनुपात को कहा जाता है गोल्डन रेशियो। करेक्ट आंसर ना फेवन की अनुक्रम है, ना गोल्डन त्रिभुज है, ना लिवर ओबेसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया है फ्रेंड्स, 3 समीकरण 3x + 2x = 5, 9x + 6y = 6 आलेख निरूपण योग में देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, तो समांतर रेखाएं। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि अंक क्या होगा, कोई संख्या, 0, 2, 1। आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर वाई एक्स में बिंदु कोटि का अंक, कोई संख्या। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, दिए गए आंकड़ा में विशेष पद को प्राप्त करने वाली संख्या को कहा जाता है, क्या संचयी बारंबारता, भिन्नता, बारंबारता, वर्गांतराल। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, दिए गए आंकड़ा विशेष पद को प्राप्त करने वाली संख्या को कहा जाता है बारंबारता। करेक्ट आंसर न संचयी, न भिन्नता, न वर्गांतराल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है फ्रेंड्स, व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में क्या जाना जाता है आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या विकासात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, दक्षतापूर्ण उद्देश्य, प्रदर्शन उद्देश्य। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में जाना जाता है, तो प्रदर्शन उद्देश्य करेक्ट आंसर। ना दक्षतापूर्ण होगा, ना विशिष्ट होगा, ना विकासात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ क्या है। हाँ फ्रेंड्स, एक परीक्षा की विश्वसनीयता का क्या अर्थ है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगतता, परीक्षा अंकों की रेटिंग। मैं वेट करूँ फ्रेंड्स आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा दिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है करेक्ट आंसर परीक्षा अंकों की संगतता। करेक्ट आंसर ना परिशुद्धता, ना विकास, ना रेटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया फ्रेंड्स, लघु गुणक के निर्माता कौन है आप बताएंगे। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या कैटर हैं, जॉन नेपियर हैं, न्यूटन हैं, सिल्वेस्टर हैं। मैं आपका वेट करूं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, लघु गुणक के निर्माता जॉन नेपियर करेक्ट आंसर। ना कैटर हैं फ्रेंड्स, ना न्यूटन हैं, ना सिल्वेस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया फ्रेंड्स की, मानसिक रूप से क्रियाशील अंक सक्रियता फोक एल्गोरिथम जो मापन अनुमान आकृति रुचिपूर्ण समझ के लिए प्रचलित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या औपचारिक शिक्षा है, विश्वविद्यालय है, गांव है, विद्यालय है। आप बताएंगे करेक्ट आंसर। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, तो गांव करेक्ट आंसर, गांव करेक्ट आंसर। ना औपचारिक, ना विश्वविद्यालय, ना विद्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गए, बीजगणित और सिद्धांत श्रोमणी के दो महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं आप बताएंगे करेक्ट आंसर। यानी बीजगणित और सिद्धांत श्रोमणी किस वैज्ञानिक ने लिखी है फ्रेंड्स आप बताएंगे। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, बीजगणित, सिद्धांत श्रोमणी, क्या भास्कराचार्य टू है, नारायण पंडित है, बराह मेहर है, महावीर है। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया हो। करेक्ट आंसर बीजगणित और सिद्धांत श्रोमणी भास्कराचार्य टू द्वारा लिखी गई है। ना नारायण पंडित है, ना ब्राह्मण है, ना महावीर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है कि दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। हाँ फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम को लेकर बनाया गया फ्रेंड्स कि श्रव्य दृश्य। हाँ फ्रेंड्स श्रव्य दृश्य आइडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं आप बताएंगे, क्या क्रिथ वोल है, क्या एडगर डेल है, ब्लूम है, एंडरसन है। आप बताएं करेक्ट आंसर। जब तक मैं वेट करूं फ्रेंड्स आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, दृश्य आइडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण किस किया गया था, एडगर डेल करेक्ट आंसर। ना क्रिस बॉल है, ना ब्लूम है, ना एंडरसन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आ गया है कि स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने में तार्किक साधन कौन सा है। हाँ फ्रेंड्स स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने में प्रयुक्त मुख्य तार्किक साधन क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या निगमनात्मक तर्क है, स्वयं सिद्धि तर्क है, तार्किक तर्क है, आगमनात्मक तर्क है। आई होप फ्रेंड्स जब तक आप आपका आंसर लगाएंगे करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से सच्चाई स्थापित करने का मुख्य साधन क्या है करेक्ट आंसर, निगमनात्मक तर्क करेक्ट आंसर। ना स्वयं सिद्धि तर्क है, ना तार्किक तर्क है, ना आगमनात्मक तर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है, यदि एक बिंदु का निर्देशांक 2 और -3 है। हाँ फ्रेंड्स 2 और -3 है तो किस चतुर्थांश में आएगा। जब तक आप आपका आंसर लगाएंगे, जब तक मैं थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ फ्रेंड्स। क्या होता है कि यहाँ पर एक्स अक्ष रहता है, यहाँ पर वाई अक्ष रहता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड है, फोर्थ।
तो यहाँ पर क्या रहता है फ्रेंड्स की प्लस और प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस प्लस रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ दोनों माइनस रहेंगे, यहाँ दोनों माइनस माइनस रहेंगे। अब फ्रेंड्स क्या रहेगा, यहाँ एक प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड चतुर्थांश करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने दिया फ्रेंड्स कि सतत मूल्यांकन पर जोर देने के लिए होता है, सतत मूल्यांकन पर जोर देने के लिए क्या होता है, केवल शिक्षकों छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनर्परीक्षण प्रतिक्रिया, केवल अधिगम अंतरालों का निदान सुधारात्मक उपायों का उपयोग, या उपरोक्त सभी, केवल संपूर्ण शिक्षा अधिगम मूल्यांकन विनिमयन। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया है, शिक्षण की एक निरंकुश ऑटोक्रमिक शैली के रूप में जाना जाता फ्रेंड्स, क्या अनौपचारिक शैली है, एकीकृत शैली, छात्र केंद्रित शैली, शिक्षक केंद्रित शैली। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा करेक्ट आंसर, मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर शिक्षक केंद्रित शैली करेक्ट आंसर, शिक्षक केंद्र शैली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया फ्रेंड्स, नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है, प्रतिक्रिया के पश्चात होता है, तो क्या आंसर आएगा, दंड दाता, दंड देने वाला, सिद्ध करने वाला, पूर्व कथन, अन्वेषक। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा करेक्ट आंसर, मैं बताने जा रहा हूँ, नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा दंड दाता, दंड देने वाला करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपना क्वेश्चन की श्रृंखला, लास्ट क्वेश्चन और है फ्रेंड्स की, दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता असत्यता को क्या कहा जाता है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सत्यमान। तो फ्रेंड्स इसी के साथ पैडागोजी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा फ्रेंड्स आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में गणित शिक्षण शास्त्र के साथ, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जब तक बने रहिए चैनल के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।